साथ। तो देखिए इंतजार शाम 7:15 बजे का है जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं शपथ, और हम आपको लगातार बता रहे हैं संभावित चेहरे, कौन कौन से ऐसे चेहरे जिनको फोन कॉल पहुंच चुका है। राजस्थान से जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसको आपको बता देते हैं। राजस्थान से बताया जा रहा है कि 2 मंत्रियों के नाम तय हैं, राजस्थान से 2 मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं, और कौन कौन से ये 2 नाम है ये आप जानिए। इसमें अर्जुन राम मेघवाल, साथ ही साथ भागीरथ चौधरी का नाम भी सामने आया है, और बताया जा रहा है कि भागीरथ चौधरी को भी फोन पहुंच चुका है प्रधानमंत्री आवास पर। दोनों मंत्रियों को टी पार्टी के लिए बुलाया गया है। भागीरथ चौधरी की अगर बात करें तो भागीरथ चौधरी देखिए अजमेर से आते हैं, दूसरी बार जीत कर आए हैं, और ये नया चेहरा जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। कई और नाम भी हालांकि सामने आ रहे थे, कहा यह जा रहा था कि राजस्थान से 3 मंत्री हो सकते हैं, 2 ये कंफर्म बताए जा रहे हैं। इसमें अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल है, साथ ही साथ भागीरथ चौधरी को भी बताया जा रहा है कि फोन कॉल पहुंच चुका है। भूपेंद्र यादव का पता इस बार माना जा रहा है कि कट गया, राजस्थान से भूपेंद्र यादव का नाम भी चल रहा था, लेकिन भूपेंद्र यादव को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थान के ये 2 नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। ग्राउंड पर आपको लिए चलते, मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, राजस्थान को लेकर ये 2 नाम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इसमें अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, साथ ही साथ दूसरा नाम भागीरथ चौधरी का बताया जा रहा है। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर क्या जानकारी मनोहर? देखिए अभी मैं प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हूं, और यहां पर आप देखेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी का अभी कोई खबर नहीं है, वो यहां पर नहीं पहुंचे। हो सकता है उनको लेकर के पार्टी कुछ और सोची हो, या वो कुछ देर के बाद जो है सो उनके पास कॉल भी जाए। लेकिन एक लिस्ट जो अब तक आ चुकी है, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग है, और यहाँ पर टी मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री मुलाकात करें, करीब 45 से ज़्यादा लोग करीब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए एक और सायरन गाड़ी की बज रही है, मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को फोकस करें, कुछ गाड़ी जो है प्रधानमंत्री आवास के अंदर से निकल रही है, बीजेपी का झंडा भी इसमें लगा हुआ है, हो सकता है कि कोई लीडर इसमें निकले हों। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग जो कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं, अगर हम बिहार की ही बात करें, बिहार से 5 जो सांसद जीत करके आए हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है। नित्यानंद राय है, रामनाथ ठाकुर जो JDU से हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्टिविटी तेज हुई है, शायद टी मीटिंग जो थी वो टी मीटिंग खत्म हो चुकी है और गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई है, जो नेता अंदर थे जो सांसद थे वो धीरे धीरे करके बाहर आना शुरू हो गया है। उत्तराखंड से अजय टमटा, पंजाब से रवनीत बिट्टू जो हार गए हैं, लेकिन उन पर भी भरोसा जताया गया है, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, मंत्रिमंडल में जब जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी, रक्षा गढ़ से प्रताप राव जाधव, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहाल, रामदास आठोले। मध्य प्रदेश से बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया, सावित्री ठाकुर। राजस्थान से भागीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल। बिहार से जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर। देखिए सबकी गाड़ियां एक एक करके प्रधानमंत्री आवास से निकलनी अब शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया है और मिल करके बातचीत की है कि कैसे हमें आगे ले जाना है, कैसे अब हमें कयासों का दौर जो है वो खत्म कर देना चाहिए। मेरे साथ मेरे 2 सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के बारे में अपडेट देंगे मुझ तक विकास श्रीवास्तव, और साथ ही साथ उदय प्रताप सिंह जो चुनाव के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे। उदय, चूंकि अब टी पार्टी ओवर हो गई है, मनोहर ने ताजा तस्वीरें हमें दिखा दी हैं, गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई है पीएम आवास से, यानी कई बड़े चेहरों को लेकर अब कंफर्मेशन का दौर है, अब कयास नहीं। बिल्कुल रचना, ये कॉन्फर्मेशंस का दौर है अब, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ चौंकाने वाले चेहरे जरूर शाम को भी आ सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं 2019 का, जब टी पार्टी में हमने कुछ चेहरों को जरूर देखा था, मगर फिर शाम को अचानक हमने देखा था कि एक कुर्सी पर एस जयशंकर भी मंच पर बैठे थे, और तभी हमें पता चला था कि वो देश के विदेश मंत्री बनने वाले हैं। ये सुबह नहीं पता चला था, ये दोपहर को नहीं पता चला था, पिछली बार मुझे याद है शाम को पता चला था, क्योंकि हम तब भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मोदी जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS वाले जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, गृह, वित्त, विदेश और रक्षा, ये बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है, सहयोगियों को नहीं मिलेगा, ये बात साफ हो गई है।
जी बिल्कुल, ये भी साफ हो गई है क्योंकि बीजेपी ने ये फॉर्मूला अपनाया था कि कोलिशन धर्म का पालन किया जाएगा, मगर किसी भी अगर सहयोगी दल ज़्यादा सीट ज़्यादा कैबिनेट मांगने की कोशिश करेगी या फिर एक अहम मंत्रालय तो वो नहीं सुना जाएगा, क्योंकि मैंडेट जो है वो तो भाजपा के पक्ष में ही आया है। 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, हालांकि ऑफकोर्स एनडीए की सरकार है क्योंकि एनडीए सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी 272 के आंकड़े को पार करने के लिए, मगर फिर भी कोई भी जो अननेसेसरी डिमांड्स हैं सहयोगी दलों के वो जो है कतई नहीं माने जाएंगे, ऐसा फैसला बीजेपी आला कमान ने ले लिया था। इस वजह से जो अहम मंत्रालय है, चाहे वो वित्त जाए तो 1996 से कंपैरिजन किया जा रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 90 सीटें बहुमत से कम थी, इस बार 32 सीटें बीजेपी हासिल नहीं कर पाई है जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा होता है। ऐसे में 18 मंत्री जब 1996 में बनाए गए थे अटल बिहारी की सरकार में, इस बार संख्या बल कितना होगा 32 सीटें कम है पूर्ण बहुमत से? जी बिल्कुल, एग्जैक्ट आंकड़ा तो जैसे मैंने कहा शाम को ही पता चलेगा, मगर आप ये निश्चित रहें कि ज़्यादातर जो हैं अहम मंत्रालय, चाहे वो अगर वित्त की बात करें, रक्षा की बात करें, गृह की बात करें या विदेश मामलों की बात करें, तो ये सारे जो हैं ये बीजेपी को ही जाएंगे। सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि एजुकेशन मंत्रालय भी HRD यानी कि वो भी बीजेपी के ही एक नेता को दिया जाएगा। हम देख रहे हैं तमाम वो चेहरे यानी उदय, आप कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं वो बीजेपी अपने साथ में रखने वाली है, साथ ही साथ चूंकि अब कयास का दौर खत्म हो गया है और अब जो संख्या है वो अभी जो अटकलें हैं 50 के आसपास रह सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। महाराष्ट्र में विकास श्रीवास्तव जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, विकास चूंकि अब टी पार्टी ओवर हो गई है, नितिन गडकरी पीयूष गोयल कंफर्म नाम बताए जा रहे थे, जरा शिवसेना और NCP से भी पर्दा उठा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज की उस खबर पर मुहर लग गई है इस टी पार्टी में, जिसमें इंडिया न्यूज संभवतः पहला चैनल था जिसने ये कहा था कि शिवसेना शिंदे एकनाथ शिंदे की शिवसेना से प्रताप राव जाधव जो है वो मंत्री पद के दावेदार हैं, और ऐसा हमने तब कहा। विकास अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए आप। दिया जाए और इसी वजह से उन्होंने प्रताप राव जाधव का नाम आगे किया था और आज उनको कॉल आया है, वो इस समय PM आवास पर है, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे शाम तक। लेकिन चूंकि बीजेपी सरप्राइज देने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है, दो नाम जो हैं उन्होंने थोड़ा आश्चर्य पैदा किया है। खुद रक्षा खड़से उनका नाम मंत्री पद के लिए जा रहा है, और इसके अलावा पुणे से जीत कराए सांसद मुरलीधर मोहोल, इनको भी मंत्री पद का न्योता मिला है, उनको कॉल आई है। तो कुल मिलाकर 6 नाम है महाराष्ट्र से, जिसमें 3 के बारे में बताया जा रहा है कि इनको केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा मिलेगा, जबकि 3 मंत्री जो होंगे वो MOS होंगे, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, राज्य मंत्री पद का दर्जा मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बीजेपी सरप्राइजेस देने वाली पार्टी है, शाम तक हो सकता है कुछ और नामों का खुलासा हो, क्योंकि अभी तक NCP के खाते में कौन सा मंत्रालय आएगा इस पर चर्चा नहीं हुई है। कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है क्या बीजेपी जो अनुमान था उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाई, देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी करते हैं, अब यहाँ गठबंधन की सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी, इसलिए जरूरी है सभी को साथ लेकर चलना और विभागों का बंटवारा करना, मजबूरी भी जरूरी भी दोनों। जी बिल्कुल, जो प्रदर्शन रहा है उसने काफी निराश किया, महाराष्ट्र ने बीजेपी को काफी निराश किया है, और सीटें चूंकि कम आई हैं तो उसका पोर्टफोलियो डिवीजन पर असर पड़ना ही था। इसके पहले वाले कैबिनेट में 8 मंत्री थे, मंत्रालय में 8 मंत्री थे महाराष्ट्र से, लेकिन अब तक नए मंत्रालय में सिर्फ 6 मंत्रियों के नाम पर विचार किया गया है। मुमकिन है कि आने वाले 2 दिनों में और भी चीजें साफ हो, तस्वीर साफ हो, शाम तक कुछ नए नामों का ऐलान हो सकता है, उसके लिए वेट एंड वॉच है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ही फूंक फूंक कर बीजेपी कदम रख रही है, सबको साथ में लेकर चलना है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से यह भी साफ कर दिया कि किसी भी गठबंधन की बेमानी मांगों की पूरा मानेगी नहीं, और मंत्रालय स्ट्रेंथ के हिसाब से बटेंगे, प्रोपोर्शनल होंगे उनकी संख्या बल के हिसाब से। अच्छा कुछ, कुछ बड़े नाम विकास, कुछ बड़े नामों को लेकर अब जो कंफर्मेशन है वो हमारी टीम कर रही है, और एक एक करके जल्दी से वो नाम मैं दोहरा देती हूँ, आपने भी कुछ नाम बता दिए, उदय ने कुछ नाम बता दिए, गिरिराज सिंह को कॉल आ गया है ये कंफर्म है, गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह को कॉल आ गया है ये हमने पहले बता दिया था, अब जो शुभकामनाएं हैं वो मिलने लगी हैं लगातार उन नेताओं को जिन्हें कॉल आ रहा है,
अन्नामलाई को लेकर जानकारी है कि एमओएस का चार्ज ले सकते हैं, नित्यानंद राय को कॉल आ चुका है, अश्विनी वैष्णव को कॉल आ चुका है, किरण रिजिजू को भी कॉल आ चुका है और महाराष्ट्र से रक्षा खडसे को कॉल आ गया है, जिसका जिक्र अभी विकास श्रीवास्तव कर रहे थे। साथ ही साथ रवनीत बिट्टू को लेकर जानकारी उदय ने दे दी है और मनोहर लाल को भी कॉल आ गया है। राहुल लाल और चांदनी स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं, उदय और विकास भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और ओवरऑल हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन राहुल लाल जी, जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं, जो कंफर्म हो चुके हैं कंफर्मेशन के साथ में, कोई नाम ऐसा जो चौंकाया है? जैसे कि पंजाब से जो नाम बता रहे हैं बिट्टू जी का, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम है, चूंकि वो हार गए थे। लेकिन चूंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने स्थिति को मजबूत करना चाहती है और वैसे स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल में चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर भी आप किस तरह से प्रतिनिधित्व देते हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, उस दृष्टि से हमें लग रहा है कि बिट्टू जी का नाम वहां से आ रहा है और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक तरह से पुष्ट नाम हम लोगों को नजर आ रहे हैं। जहां पे मैंने फिर महाराष्ट्र की बात की थी कि महाराष्ट्र में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पास में होने वाले हैं, इसलिए महाराष्ट्र से देखिए अच्छा खासा जो है कि प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्राप्त हो रहा है और उसमें कई सारे नए नाम भी हम लोगों को दिख रहे हैं। तो उस दृष्टि से महाराष्ट्र के नाम चौंकाने वाले बिल्कुल नहीं है, वो नाम जो है कि वो बीजेपी के रणनीति के हिस्से के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा झारखंड को लेकर, हमें लग रहा है कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव पास ही में है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है वहाँ से, तो वहाँ से हमें लग रहा है कि अभी जो नाम पुष्ट नाम हम लोगों को दिख रहे हैं वो तो खैर दिख ही रहे हैं, लेकिन कुछ नाम अगर शाम के समय हम लोगों को चौंकाए तो वो आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, चूँकि विधानसभा के चुनाव में एक तरह से मजबूत चुनौती वहां पे एक नाम तो और चौंका रहा है, एक नाम और चौंका रहा है। आपने रवनीत बिट्टू को लेकर जानकारी दी, अन्नामलाई जो कि एमओएस संभालेंगे अभी मैंने जानकारी दी, शाहबाज के पास इसको लेकर बड़ा अपडेट है। शाहबाज, हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहा जा रहा है आजकल। बिल्कुल रचना, आप सही कह रही है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हम अगर बात करें दक्षिण के बाजीगर की तो उसके अंदर नाम आता है कि अन्नामलाई का। खबर यह मिल रही है कि उनका भी मंत्री बनना तय है इस वक्त। जो बड़ी जानकारी है वो अपने नाज़रीन को बताते हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि तमिलनाडु से के अन्नामलाई बनेंगे मंत्री, ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें कि अन्नामलाई चुनाव हार चुके थे लेकिन बावजूद इसके उनका मंत्री बनना तय है, क्योंकि अगर हम बात करें साउथ में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई थी और उनका काफी अच्छा प्रोफाइल भी माना जाता है और जिस तरीके से हालांकि वो चुनाव हार गए हैं लेकिन बावजूद उसके उनको जो है मंत्री बनाया जा सकता है। कॉल पहुंच चुका है, अश्विनी वैष्णव दोबारा से मंत्री बनेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। एक और अहम आपको बात बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु से के अन्नामलाई का मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है और कंफर्मेशन इस बात की हो चुकी है, क्योंकि साउथ का एक बड़ा चेहरा है और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो खासतौर पर साउथ में रहा था। अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने तमाम यात्राएं की थी, अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए थे और जो साउथ की 131 सीटें हैं उसके ऊपर खासतौर पर फोकस किया गया था। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि अगर हम बात करें साउथ की, तो के अन्नामलाई का नाम कन्फर्म हो गया है। महाराष्ट्र से अगर हम बात करें रक्षा खडसे का नाम जो है वो कन्फर्म हो गया है। उधर अश्विनी वैष्णव जो है दोबारा से मंत्री बनेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है रचना। जिस तरह की जानकारी शहबाज ने दी है उसमें कई नाम चौंका रहे हैं, कई नाम हैरान कर रहे हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट में किसे मिल रही है जगह और किस आधार पर ये नाम चुने जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत सी इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस को समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह बताएंगे, इसमें युवाओं को तरजीह है, इसमें हारने वालों को भी जगह मिल रही है, इसमें खास तौर से कास्ट इक्वेशन भी नजर आ रही है। उदय, बिल्कुल, अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो अब तक रक्षा खडसे का प्रोमिनेंट नाम है जो महाराष्ट्र से हैं, जो अभी विकास जिक्र कर रहे थे, रक्षा खडसे का नाम निकल के आए महिलाओं में से। निर्मला सीतारमण भी टी पार्टी में शामिल थी आज, माना यह जा रहा है कि उनको भी दोबारा मौका मिल सकता है। किस विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी इस बार वह देखना होगा। अगर हम बात करें तो हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है, हर जाति को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिलचस्प बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि ओडिशा को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। ओडिशा में अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने सरकार बनाई है, वहां पर सीएम को लेकर चर्चा चल रही थी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वहां पर सीएम कौन होगा इसको लेकर भी चर्चा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दो दिलचस्प फैसले हैं, दो महत्वपूर्ण फैसले हैं जो अब तक बीजेपी आने वाले एक महीने में लेगी। उड़ीसा का तो फैसला अगले दो तीन दिन में हो जाएगा, बीजेपी अध्यक्ष का फैसला शायद एक महीने बाद होगा।
तो ये देखा जा रहा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान और एमएल खट्टर को जगह मिलेगी मोदी सरकार 3.0 में, क्योंकि उनके भी नाम चल रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष के लिए। तो अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली शायद वो रूल आउट हो जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष के रेस में। अगर हम बात करें उड़ीसा मुख्यमंत्री का, तो चार नाम है जो इस वक्त सामने हैं और धर्मेंद्र प्रधान उनमें से एक अहम नाम है, मगर सूत्रा में ये बात बता रहे हैं कि वो भी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास पे। तो इसका मतलब है कि शायद धर्मेंद्र प्रधान नहीं बनेंगे फिलहाल। कि केंद्र की बात तो हो ही रही है, उन राज्यों की भी बात हो रही है जहां पर बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में, और कौन होगा बड़ा चेहरा यानी कि मुख्यमंत्री फेस, उसको लेकर भी चर्चा जारी है। चाहे पर ये बड़ी चर्चा चली है और अभी जो टी पार्टी है वो ओवर हो गई है, और अंजलि के पास है एक बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त क्या मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज आप जानिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, संभावित मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, मोदी ने सभी संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की है।